अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आवर YouTube चैनल। आज हम आपको ECAT यानी इंजीनियरिंग कॉलेजेस एप्टीट्यूड टेस्ट के बारे में कुछ अहम मालूमात बताएंगे। अगर आप किसी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना चाहते हैं तो आपको ECAT देना होगा। पहले बात करते हैं कि ये टेस्ट कब होगा। हर यूनिवर्सिटी अपने ECAT की टेस्ट की डेट खुद अनाउंस करती है। कैप्शन में हमने आपके लिए यूनिवर्सिटी वाइज डेट्स बता दी हैं। हर यूनिवर्सिटी का टेस्ट 100 मार्क्स का होता है। इन मार्क्स का डिवीजन यूनिवर्सिटी वाइज डिफर करता है। जैसे कि कराची यूनिवर्सिटी 20 मार्क्स जनरल नॉलेज, 20 मैथ, 20 इंग्लिश, 20 फिजिक्स और 20 केमिस्ट्री में डिवाइड करती है। लेकिन NED 25 मार्क्स इंग्लिश, 25 मैथ, 25 केमिस्ट्री और 25 फिजिक्स में डिवाइड करती है। NED और FAST का कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है और KU का पेपर बेस्ड होता है। आप जिस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने का सोच रहे हैं उसका पेपर फॉर्मेट पता करके उसी हिसाब से तैयारी करें। आखिर में बात करते हैं कि ये टेस्ट देने से आप कौन कौन से करियर्स में जा सकते हैं। इनमें से कुछ करियर्स हमने अपने कैप्शन में डाल दिए हैं। कोई भी सवाल हो तो कमेंट्स में पूछें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज एंड गुड लक।